हेलो स्टूडेंट, टर्म वन के एग्ज़ाम बहुत पास आते जा रहे हैं। आईसीएसई बोर्ड ने अपनी डेट शीट को डिक्लेयर कर दिया है काफ़ी टाइम पहले, और आईसीएसई बोर्ड ने 15 नवंबर के आसपास जो डेट है वो एग्ज़ाम की रखी है। उम्मीद ऐसी की जा रही है सीबीएसई बोर्ड भी 15 नवंबर के आसपास अपनी डेट शीट को रखेगा। ये भी कयास लगाए जा रहे हैं जिसकी उम्मीद बहुत ज़्यादा है कि 10 अक्टूबर के आसपास जो सीबीएसई बोर्ड है वो भी अपनी डेट शीट को टर्म वन के लिए रिलीज़ कर दे। तो इससे रिलेटेड, टर्म वन से रिलेटेड मैं एक बहुत बड़ी अपडेट लेके आया हूँ कि एग्ज़ाम अभी किसी भी मूड में हो सकते हैं, ये कोई कंफर्म नहीं है। ऑनलाइन मूड में भी पॉसिबल है, ऑफलाइन मूड में भी पॉसिबल है, डिपेंड करता है कि कोरोना की सिचुएशन क्या रहती है। अगर कोरोना कॉन्टीन्यूसली डिक्लाइन करता जाएगा, घटता जाएगा, तो उस कंडीशन में ऑफलाइन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, और अगर कोरोना का ग्राफ बढ़ेगा तो ऑनलाइन होंगे। लेकिन इसके लिए सीबीएसई ने हर तरह से अपनी तैयारी पक्की कर ली है। सीबीएसई ने साइबर सिक्योरिटी के माध्यम से गूगल के साथ पैचअप किया है, और वो अपनी एक वेबसाइट को जनरेट कर रहे हैं, एक्टिवेट कर रहे हैं, और जहाँ पे वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू बच्चों पे नज़र रखेंगे। अगर ऑनलाइन एग्ज़ाम होते हैं तो बच्चे किसी भी तरह से नकल ना कर पाए। तो समझ सकते हो अब सीबीएसई कितना बड़ा स्टेप ले रहा है। अगर ऑनलाइन एग्ज़ाम हो जाएंगे तब भी वो इतना ज़्यादा ध्यान रख सकता है बच्चों पे। तो सीबीएसई ने इस बार बहुत अच्छी तरह से कमर कस ली है। वो एग्ज़ाम तो लेगा ही, चाहे कोरोना आए या कोरोना नहीं आए। अगर कोरोना नहीं होता है तो ऑब्वियस सी बात है ऑफलाइन होंगे, अगर कोरोना आएगा तब भी वो एग्ज़ाम लेगा, ऑनलाइन एग्ज़ाम होंगे, और जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करके सब बच्चों पे नज़र रखी जाएगी। तो सब बच्चे बहुत अच्छी तरह से टर्म वन की तैयारी करते रहें, ठीक है। उनको किसी भी तरह से कहीं से कोई हिंट नहीं मिलेगा, और ये कन्फर्म है कि उनके पेपर होने ही वाले हैं, जो कि डेट है 15 नवंबर के आसपास। अब देखो कुछ टाइम में डेट आ जाएगी, डेट शीट आ जाएगी, उसमें सब क्लियर होगा। आगे कोई अपडेट आएगा वो हम लेके आएंगे। ओके, थैंक यू।